सो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंबुज सक्सेना एंड यू आर वाचिंग सक्सेस इन्फिनिटी। सो यार, आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा डिमांड्स आ रही थी कि भैया हमें स्पोर्ट्स के ऊपर वीडियो चाहिए। बिट्स पिलानी में स्पोर्ट्स का क्या स्टेटस है, कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं, फैसिलिटीज क्या क्या मिलती। सो हमने यार सोचा कि एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, स्पोर्ट्स की सीरीज, जिसमें हम आपको अलग अलग गेम्स के बारे में बताएंगे। कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे आएंगी, कुछ वीडियोस आपने यथार्थ का चैनल देखा होगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बाकी वीडियोस वहां आएंगी। फर्स्ट पार्ट जो था इस सीरीज का, जो कि स्विमिंग था, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग क्रिकेट की डेप्थ में जाने वाले हैं। आज मैं यार आपको एक ऐसी शख्सियत से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो क्रिकेट में काफी पुराने टाइम से हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अपने स्कूल के टाइम से डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहे हैं, अभी बिट्स पिलानी की क्रिकेट टीम में हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में चैंपियनशिप्स जीत के आ चुके हैं। तो आज हम डायरेक्टली उनसे बात करके उनसे जानेंगे कि क्या स्टेटस है क्रिकेट का बिट्स पिलानी। ठीक है, तो चलिए यार, अगर आप चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग इट एंड प्रेसिंग द बेल आइकन एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो यार, हम उत्कर्ष से डायरेक्ट पूछते हैं, डायरेक्ट उनसे बात करते हैं कि यार क्या क्या है जो आप लोगों को नहीं पता है, यू शुड नो बिफोर कमिंग टू बिट्स पिलानी। तो उत्कर्ष, सबसे पहले यार मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, दैट हाउ इट फील्स टू बी इन द क्रिकेट टीम ऑफ बिट्स पिलानी। कैसा लगता है, कैसा लगता है कि आप एक इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के क्रिकेट टीम का पार्ट हो? ऑब्वियसली अंबुज, या बीइंग अ प्लेयर ऑफ बिट्स पिलानी इट्स अ प्रेस्टीजियस मोमेंट। यू आर रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया इन बीटेक, सो yeah, it's a quite great moment, and we usually get a lot of respect when we play along with other teams and in their colleges. Like we won Manipal tournament in this February, and we got a lot of respect. And we go to different IITs for different tournaments. So yeah, it's a very great moment. So Utkarsh, you have been to so many colleges, आप बहुत सारे different colleges में गए हो, different different tournaments में आपने participate करा है, bits की team को represent करा है, so I just wanted to know that what is that most distinguishing thing in the cricket culture, or you can say in the cricket team of bits Pilani, which you will not find in any other team from other colleges, even with IITs, NITs and IIITs, वो distinguishing factor क्या है? या डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स में मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो हमें फैसिलिटीज मिलती है, जो हमें इक्विपमेंट्स मिलते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव बैट्स मिलते हैं जो स्कूल क्रिकेट में या क्लब क्रिकेट में भी हमें जल्दी नहीं देखे, और जो इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं बाकी सारे। काफ़ी न्यू रोज हमें 3-4 SG क्लब क्रिकेट की बॉल्स मिलती है, जो क्रिकेट खेलते हैं रेगुलरली उनको पता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव बॉल है, 450-500 की ईच बॉल होती है। तो ये बात है, काफी फंडेड है इक्विपमेंट्स के मामले में बिट्स। और दूसरी बात कल्चर के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिट्स पिलानी में जो हमारे सीनियर्स हैं वो काफी ज्यादा कोऑपरेटिव है, काफी अच्छे हैं। बच्चे मोस्टली जो क्लब क्रिकेट खेल के आते हैं या जो स्कूल क्रिकेट खेल के आते हैं, उनसे सीनियर्स काफी बिचवर्क कराते हैं, काफी काम कराते हैं जो काम का नहीं होता, काम से रिलेटेड नहीं होता वो भी, और काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, पॉलिटिक्स होता है। बट यहाँ पे एज अ वी आर लाइक अ फैमिली, क्रिकेट टीम ऑफ बिट्स पिलानी इज लाइक अ फैमिली, वी शेयर इमोशंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बाहर टूर्नामेंट्स में भी खेलते हैं तो एक बॉन्डिंग नजर आती है, प्लेइंग 11 में नहीं बल्कि जो प्लेयर्स बाहर बैठे हैं उनके भी। बाकी टीम्स में हमने देखा है कि आपस में भी लड़ जाते हैं प्लेयर बहुत बार, और ये तो बहुत ही खराब बात है गेम के बीच में। बट मैं बिट्स पिलानी में ये बात है कि आपकी प्लेइंग 20, आपका जो स्क्वायर 20 का स्क्वाड है वो भी काफी ज्यादा आपको सपोर्ट करता है। ओके उत्कर्ष, सो इफ आई वर टू आस्क यू टू रेट द क्रिकेट इन्वेंटरी एंड द प्लेग्राउंड एंड ऑल द अदर फैसिलिटीज अवेलेबल टू द स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी स्पेशली रिलेटेड टू क्रिकेट, हाउ वुड यू रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, विथ 10 बीइंग द बेस्ट, लाइक द मोस्ट एक्सेलेंट वन, एंड 1 बीइंग द मोस्ट पुअर, द पुअरेस्ट वन। कैसे रेट करोगे आप 1 to 10 के स्केल पे क्रिकेट की इन्वेंटरीज को, एंड इफ यू कुड ऑल्सो एक्सप्लेन अस द रीजन आपने कौन सा नंबर सेलेक्ट करा, अगर आप थोड़ा सा इलेबरेट कर दोगे तो दैट वुड बी मच मच बेनिफिशियल फॉर अस। सो रेटिंग अबाउट रेटिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड द फैसिलिटीज ऑफ बिट्स पिलानी, आई वुड गिव अ रेटिंग ऑफ 8, बिकॉज द इन्वेंटरी व्हिच वी गेट इज वेरी 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 good and
quite expensive. We get to play with bats which are quite good, which cost around 20k, and we get new balls each every day. Our gears are also very good. But talking about the facilities we get, we don't have a perfect turf pitch to practice on, so we practice on mat, and there are new nets that are being installed in the Pilani campus. Earlier there were no nets, but now it's being installed, so it's a good point. And the third major thing is the ground. Ground is quite nice, however there's not a slope on the outfield, which good players or experienced players would want. But yeah, on a scale of 1 to 10, 8 would be a nice rating. So that was quite intriguing, Utkarsh. So next question ki taraf badhte hain hum log, Utkarsh. One thing which many people wanted to know is about the cricket coaching facility, or you can say the learning facility in cricket team. मतलब अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको क्रिकेट उतना अच्छा नहीं आता खेलना, but he really wants to learn, उसको सीखना है, उसको ट्रेनिंग चाहिए, तो क्या फैसिलिटी रहती है? क्या कोई प्रॉपर कोच वगैरह आते हैं जो आपको सिखाएं? या फिर अगर आपका टीम में नहीं भी हुआ सिलेक्शन, सो क्या जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी दैट वुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू यू एज वेल एज द अदर टीम मेंबर्स, या फिर कहीं ना कहीं ये चीज लैक करती है, अगर मुझे सीखना है तो मैं नहीं सीख सकता, क्या स्टेटस है उत्कर्ष? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने. इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो कोचिंग फैसिलिटीज है, हम एज अ कम्युनिटी ऑफ क्रिकेट हम आपस में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, आपस में ही ड्रिल्स डिसाइड करते हैं जिससे सबका फायदा हो. अगर हम चाहे तो हम कोच भी लग सकते हैं. ये हम हर टीम के पास अपना वोट होता है कि वो अपने अपनी स्पोर्ट्स के लिए किसी कोच को अपॉइंट करना चाहते हैं. हमने अभी तक नहीं किया क्योंकि हम एज अ कम्युनिटी पूरा हैंडल करते हैं और सारे ड्रिल्स सारे जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो हमें पता है क्योंकि हमारे पास काफी अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो पहले खेल चुके हैं अपने जोन के लिए भी. तो ये काफी अच्छी बात है. बाकी अगर मैं बात करूं सीखने के बारे में, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो बिट्स पिलानी है क्रिकेट टीम में एज अ कल्चर. क्योंकि अगर आप क्रिकेट पैशनेट है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो इंडिया में खास करके जो नहीं खेल पाते, लेकिन क्रिकेट से उनको प्यार होता है, तो हम उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ आके रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं. हमारा मेन एम है कि अगर आप रोज ग्राउंड पे आ रहे हो, चाहे आपके पास वो स्किल्स हो या ना हो, स्किल सेट आपके पास नहीं भी हो, अगर आप रोज आ रहे हो उस बच्चे के मुकाबले जो रोज नहीं आता लेकिन उसके पास स्किल्स है, तो हम आप ही को प्रायोरिटी देंगे. क्योंकि क्रिकेट इज ऑल अबाउट पैशन, ऑल अबाउट लव. अगर आप अपना पैशन दिखाएंगे ग्राउंड पे, तो आपको चाहे पहले से आता हो या नहीं आता हो, आप सीखना चाहते हो, आपने टीम तक जगह नहीं बना, आप अभी तक टीम तक जगह नहीं बना पाए हो, तब भी हम आपको प्रायोरिटाइज करेंगे. तो द मेन थिंग इज अगर आप पैशनेट हो, अगर आप अपने क्रिकेट को लेकर सीरियस हो, तो आप रोज ग्राउंड पे आओ, चाहे आप सिलेक्टेड हो एज अ टीम मेंबर हो या नहीं, आपको हम पूरी अपॉर्चुनिटीज. तो चलिए उत्कर्ष, अब हम थोड़ा आपके डेली रूटीन की बात कर लेते हैं कि जब टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं तो डेफिनेटली प्रैक्टिस सेशंस बहुत ज्यादा रेगुलरली होते होंगे, बहुत रिगरस ट्रेनिंग आपको मिलती होगी जिससे कि आप लोग टूर्नामेंट्स को अच्छे से फोड़ के आ पाओ. तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका टूर्नामेंट नेक्स्ट वीक है, तो जस्ट प्रीवियस वीक में आपका कैसा शेड्यूल रहता है? मतलब सुबह क्लासेस, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस, क्या रहता है? थोड़ा सा आप इलैबोरेट कर दीजिए. इन नॉर्मल डेज वी यूज्ड टू प्रैक्टिस फ्रॉम 4 to 6:30 एट द इवनिंग. The classes usually happen between 8 to 2 p.m. and our practice sessions consist of different drills, different exercises, core exercises, nets and run chases. And so yeah, it's not very difficult to make a balance between your studies and your cricket if you are utilizing your extra time which you are getting after the practice sessions in a good manner. And during the tournaments, the classes are regular. Like you don't need to bunk your classes. However, there is a 0% attendance policy, so you can prioritize your things easily. But only the 2-3 days of the tournament, you have to leave your classes, and you can get the lab. You can shift your lab accordingly. So Utkarsh, काफी अच्छा लगा यार आपसे बात करके. आई होप हमारे व्यूअर्स को भी मजा आया होगा, उनको समझ में आया होगा यार कि क्या कल्चर है बिट्स पिलानी में क्रिकेट का, और
क्या क्या चीजें होती हैं, जो जो मुझसे डाउट्स पूछे थे लोगों ने, मैंने डायरेक्टली आपके सामने प्रेजेंट करे। एक बार एक लाइन में जो आप मैसेज देना चाहते हो अभी के बिटसेट एस्पिरेंट्स को, जिनको अभी बिटसेट देना है, एक दो लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज में मैं ये कहना चाहूंगा कि होपफुली जो भी डेट्स आई हैं बिटसेट की वही फाइनल डेट हो, और आपने 2 साल मेहनत की है, काफी अच्छी मेहनत की है, तो आपको जरूर इसका बढ़िया फल मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी बिट्स आए, हम कुछ भी एक्टिविटी देखते रहें, गाइडेंस लेते रहें, और जल्दी से जल्दी बिट्स पिलाने आए और हम साथ मिलके क्यूटी क्रिकेट का मजा लेंगे, जिसमें अंबुज भी बल्लेबाजी करेंगे, जो बहुत ही प्यारी बैटिंग करते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। सो कीप वॉचिंग सक्सेस इन्फिनिटी, थैंक यू। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। इस सीरीज में आगे यार बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, जो नेक्स्ट वीडियो है यानी थर्ड नंबर की जो वीडियो है स्पोर्ट्स सीरीज की, दैट वुड बी ऑन फुटबॉल। तो सब्सक्राइब कर लो यार चैनल, 5 या 6 वीडियोस आएंगी, जितने भी स्पोर्ट्स हैं हम सबको कवर करने वाले हैं, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। तो सब्सक्राइब करिए यार चैनल को, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो एंड शेयर इट विथ योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि यार बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा आपके साथ और कोई नहीं रहने वाला, फ्रेंड्स हमारे चेंज होते रहते हैं, बट बेस्ट फ्रेंड आप देखना आपका काफी सपोर्ट करेगा, तो आई थिंक बनता है यार उसके साथ शेयर करना, अगर कुछ अच्छी चीज आपने देखी है आपको मिली है तो यार शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। और अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो उत्कर्ष की यार आईडी, इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसकी आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रहे हैं बिट्स पिलानी से, तो आप और डाउट्स भी एकेडमिक से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, काफी फोड़फाड़ है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। नाइस टू हैव यू हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर बिट्स एट। जय हिंद, वंदे मातरम।